आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 17। महाभारत की कथा को महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। इसी बीच में महाराज जन्मेजय जी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब कौरवों को ये पता चला कि पांडवों को रथ और धन संग्रह सहित इंद्रप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई है, तब उनकी मनोदशा कैसी हुई? महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे भरत कुल श्रेष्ठ जन्मेजय जी, परम बुद्धिमान महाराजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की आज्ञा दे दी। ये जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठा था, गया तथा दुख से पीड़ित होकर ये वचन बोला। दुशासन ने कहा, हे महारथियों, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हमने अति कष्ट से जिस धन राशि को प्राप्त किया था, उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं को प्रदान कर दिया। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, ये सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मीठी वाणी में कहा। दुर्योधन बोला, हे राजन, देव गुरु विद्वान बृहस्पति ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है, उसे शायद आपने नहीं सुना है। हे शत्रु सुदन, शत्रुओं को सभी उपायों से मार डालना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वह बल से और युद्ध से तुम्हारा अहित ही करेंगे। हे तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल को नष्ट कर डालेंगे। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वह हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है, उसे उनमें से कौन चुपचाप सहन कर लेगा? हे पुरुष श्रेष्ठ, आपका मंगल हो। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ एक बार फिर जुआ खेलें। जुए में हार जाने पर वह अथवा हम मृग चरम धारण करके महान वन में प्रवेश करें तथा 12 वर्ष तक वन में ही निवास करें। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष किसी की जानकारी में आ जाए तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वनों में रहें। हम हारें तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वह। इसी शर्त पर पुनः जुए का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर जुआ खेलें। हमारी विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली दुर्गा से एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। यदि वह 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे तो हम उन्हें युद्ध में हरा देंगे। शत्रु संतापक, हे राजन, आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकृति अर्थात अनुमति दें। धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्र, पांडव लोग दूर भी चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुलवा लो। समस्त पांडव यहाँ आए तथा इस नए दांव पर पुनः जुआ खेलें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस समय द्रोणाचार्य सोमदत्त बाइलिक कृपाचार्य विदुर अश्वत्थामा पराक्रमी युसु भूरि सर्वा पितामह भीष तथा महारथी बिकर्ण सबने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, अब जुआ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है।
भावी अर्थ अर्थात अनर्थ को देखने और समझने सहित अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए। परम दुर्योधन आदि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश दे ही दिया। हे महाराज, उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से धर्म परायणा गांधारी पुत्र इसने बस शोक से संतप्त हो उठी और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली। गांधारी बोली, हे भरत, कुलभूषण आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासमुद्र में मत डुबाइए। हे प्रभु, इन उदंड बालकों की ही हाँ में हाँ ना मिलाइए। हे राजन, जिसकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी अच्छा बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता। आप ऐसी चेष्टा कीजिए कि आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें। ऐसा ना हो कि वह सभी मर्यादाओं को त्याग कर प्राणों से हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। आप मेरी बात मानकर इस कुल कलंक दुर्योधन को त्याग दें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, तब महाराज धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि रखने वाली गांधारी से कहा, हे देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए परंतु मैं दुर्योधन को नहीं रोक सकता। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। पांडव लौट आएं तथा मेरे पुत्र उनके साथ पुनः जुआ खेलें। हे राजन, धर्मराज जैसे इंद्रप्रस्थ के मार्ग में बहुत दूर निकल गए थे उस समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला, हे भरत, कुलतिलक पांडुनंदन युधिष्ठिर, आपके पिता धृतराष्ट्र ने ये आदेश दिया है कि तुम लौट आओ। हमारी सभा पुनः सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो। युधिष्ठिर बोले, समस्त प्राणी परमात्मा की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए ये बुलावा हमारे कुल के नाश का कारण है। ये जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहते हुए पांडु नंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ पुनः लौट पड़े। वह शकुनी की माया को जानते थे तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। महारथी भरत श्रेष्ठ पांडव पुनः उस सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर सुहृदों के मन में बड़ी व्यथा होने लगी। शकुनी बोला, हे भरत श्रेष्ठ, हे राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वो बहुत अच्छा किया है। अब जुए के लिए एक ही दांव रखा जाएगा, उसे सुनिए। यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृग चरम धारण करके 12 बरस के लिए महान वन में प्रवेश करेंगे और 12 बरस वहाँ रहेंगे। 13वां बरस हम जन समूह में लोगों से अज्ञात रहकर पूरा करेंगे। इस 13वें बरस में यदि लोगों ने हमें पहचान लिया तो पुनः 12 वर्ष वन में रहेंगे। यदि हम जीत गए तो आप लोगों को द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक मृग चरम धारण करके वन में रहना होगा।